एकदम सामने देखिएगा, एकदम सामने कौशल भाई कैमरे में। हाय राखी मैम, हाउ आर यू स्वीटा? मैम सर मैम मैम बहुत बोलो मतलब कि नहीं जी यहाँ पर यहाँ पर सेंटर में राखी मैम। थैंक यू राखी मैम का सोलो। हाँ एक सोलो राखी मैम, एक सोलो, एक सोलो सोलो राखी मैम का। सामने देखिए क्या थैंक यू मैम, थैंक यू। राखी जी को नमस्ते। अरे कैसे हो आप? आज कैसी हैं आप? हम आपको बहुत बड़े फैन हैं। अरे वाह, आ जाओ साथ में कर रहे हैं। राखी जी मतलब किसी के साथ में कर रही हूँ। आ जाओ आप समाज। आ जाओ आप। गुरु जी कैमरा में देखो राखी को नहीं उनका ध्यान कहीं और है क्या? गाना बंद करो ये तो होने सकते हैं। जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब से फ्रेंड है ना इंडस्ट्री में। राखी जी का तो मेरा मतलब काफी पुराना साथ रहा है। आज ये तो मालिक के कर्म से हमारे इंडस्ट्री के 56 हकीकत में वाकई एक्ट्रेस मगर ये जहाँ चल जाती है वहाँ पे बस कटारे कटारे रहेंगे। कटार चला रहे तो हमारा काम है। छप्पन छुरी आग लगा देती है। 56 inch का सीना होगा वही हमसे प्यार करेगा। मोदी जी वो हम तो नहीं कह रहे भाई, आप कह रहे हो। चले चले With Rakhi Sawant and it is titled as Chappan Churi. Can you please clap for the team? Woohoo! All right, so before we go ahead, let me tell you something about this song. This song is very high on energy, has vivaciousness, and वही जब Rakhi साथ में हो तो कोई चीज की कमी कैसे हो सकती है? So before we go ahead, I would request my team to kindly play the video. जितने भी हमारे मीडिया और फ्रेंड्स हैं आप सभी से अनुरोध है कि स्क्रीन की तरफ अपनी आंखें ग्लू करें बिकॉज हम वीडियो प्ले करने जा रहे हैं। So we're gonna play the video first. Can we start? संभाल के मैं अभी तक संभाल रही हूँ, खत्म नहीं हो गए अभी भी है ना। और सबसे द्रौपदी का चीर रहा हूँ। और इतने सारे भारत में द्रौपदी का चीर डीजे शेजवुड जी प्लीज कम, ईशान प्रीति प्लीज कम, आयुष वेटिंग फॉर यू, डीजे शेजवुड जी वेर वेटिंग फॉर यू। वैसे डीजे के साथ जी सूट नहीं करता सर, पीछे आइए सर, आराम से आराम से। Oh my God! Woo! Hotness on stage! And we have DJ Shazwar! Woo! खोलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। पहले एक्सप्लेन करें। You want photo of everyone? थोड़ा नीचे नहीं दिख रही है। मैम सब लोग सामने करके रखिए। सामने देखेंगे सब लोग, गंदा की नहीं थी।
I think we'll... And how is it to be dancing back on an item song? हाँ, मैं काफी टाइम के बाद एक अच्छा आइटम सॉन्ग मैंने लेकर आई हूँ. लेकिन थैंक्स टू मंदाकिनी जी, बिकॉज शी इज माई प्रोड्यूसर, सिंगर, माई सिस्टर, एवरीथिंग, कि उन्होंने मुझे ये गाना भेजा, सुनाया. एंड मैं तो बिल्कुल उछल गई. मेरे ढुमके पी बिहार, इतना अच्छा लगा मुझे. और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, बिकॉज मेरे DNA में यू नो डांस है. तो मैंने कहा नहीं, मंदाकिनी जी अमेजिंग सॉन्ग है. और इनकी इच्छा थी कि वो गाना जब बना रही थी तो मेरे बारे में ही सोच रही थी कि आई डू द सॉन्ग विद राखी. एंड जब उनका विश्वास मुझ पर था तो इनके विश्वास पर मैं कितनी पूरी उतरी हूँ वो भी बताई. कैसे मतलब कैसे प्लानिंग मेरे माइंड में अभी नहीं रहा था, मेरे माइंड में लास्ट 10 ईयर से. और कि कभी भी मैं आइटम सॉन्ग बनाऊँ मुझे राखी के साथ बनाने के लिए, मैंने पहले भी मैं बोल चुकी हूँ कि रियली मतलब मैं बताऊँ कि आइटम नंबर की जब बात आती है तो इंडस्ट्री में हमेशा राखी ही मेरे नज़र, मेरे लिए तो राखी आती है और ऑब्वियसली आप सबके लिए आती है. और छप्पन छोड़ी तो राखी से कैसे बात हो सकती है, जो इन्होंने अपना अदाएँ जो दान सिखाती अंदाज थे इसके, सो इनके जैसा किसको ही नहीं कर सकते. नहीं, बट थैंक्स टू यू कि आपने मुझे इतना अच्छा बजट दिया, कॉस्ट्यूम सेट इतना अच्छा लगा. और विद इन 1 डे हमने ये शूट को किया, 3 चेंजेस किए और इतने बहुत सारे डांसर्स के साथ में हम लोगों ने ये सॉन्ग शूट किया. एंड आई होप, आई क्रॉस माई फिंगर के पब्लिक को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि छप्पन छुरी है, मैं हूँ छप्पन छुरी और मुझे वही इंसान प्यार करेगा जिसकी 56 इंच की छत. इस गाने में एक लाइन ऐसा है, अभी आपको सुनने को मिलेगा गाने में एक लाइन भी आगे प्लीज आगे. हाँ, इस बार उतरा गाना है कि शिला भर के पानी आई है ससुरी राखी की जवानी. सो शिला सब होने के बाद आप छप्पन छुरी एज ए राखी सावन इस गाने में, छप्पन छुरी राखी सावन यहाँ पे जवानी अपना भर के जवानी तो कुट कुट के भरी है. यस यस, अरे आपको दिख रही होगी. हाँ, बहुत कुट कुट के भरी है. नाइसली, वेरी ब्यूटीफुली शी डिड हर जॉब और बहुत अच्छा किया. थैंक यू सो मच. और छप्पन छुरी 2 लाइन गाओ, गाइए प्लीज प्लीज गाना गाइए. छप्पन छुरी मेरी नजरें पूरी मैंने नो से मारू कटार रे कभी कमरिया लड़ लड़ जाए दो धारी तलवार हो कोई बच ना सका ऐसा मुझ में नशा कोई बच ना सका ऐसा मुझ में नशा मैं दिल पे करती हूँ वार रे मेरे ठुमके पे मेरे ठुमके पे हाँ मेरे ठुमके पे यूपी बिहार रे मेरे ठुमके पे यूपी बिहार रे. कैसा आपको गाना पे मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ मंदाकिनी जी का. श्री भगवान करे पूरे बॉलीवुड में ऐसी प्रोड्यूसर मिले कि उन्होंने सब कुछ मेरे पे ही सौंप दिया. कह रहा कि तुमको अच्छा सेट लगवाना है, ये मेरा यूपी का ऐसा बहुत ही अच्छा फील है और कॉस्ट्यूम आपको क्या पहनना पहनो मेरी तरफ से पूरी छूट है. मतलब अच्छे कॉस्ट्यूम दिए. और राजीव इज़ द डायरेक्टर ऑफ द वीडियो, राजीव खैची, संजय उन्होंने कोरियोग्राफी की है, अक्रम खान उन्होंने यू नो ही वाज़ DOP कैमरामैन. तो सब ने मिल के एक बजट में अच्छा सॉन्ग कर दिया. मुझे लगता है कभी कभी पूरी फिल्म करते हो तो आपको लड़की नज़र नहीं आती हीरोइन, एक गाना कर दो काफ़ी हो जाता है. बहुत ज़रूरी है. बहुत अच्छा लग रहा है मंदाकिनी जी, तो चाय से ज़्यादा किटली गर्म है. मुझसे चार डांस करती हो, गाती भी और डांस भी करती हो. तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मंदाकिनी इस वीडियो में है और बहुत अच्छा डांस किया, बहुत अच्छा लगा. आई एम सो इम्प्रेस. पहले तो मैंने बिल्कुल नहीं बोला कि नहीं मुझे करना है, मैंने फोर्स किया. मैंने कहा यू हैव टू बी देयर, बिकॉज सिंगर होना सॉन्ग में अगर सिंगर आ जाते हैं तो इट्स अ ट्रेंड ना, ज़रूरी है. हाँ नहीं कि तो अगर हमारी सिंगर वीडियो में रहेगी तो और खर्चा करेगी ना उसे रिलीज करने के लिए, वो ज़रूरी है. बिल्कुल. और आप लोग ऐसा
मैं इस चप्पन चुरी के नाम को रजिस्टर्ड ऑलरेडी कर चुकी हूँ. गाना पहले बना चप्पन चुरी, मतलब वो जितनी भी छुरी की अदाएँ हैं, मिर्ची की अदाएँ हैं, तिखी हैं, मतलब कातिल निगाहों से कत्ल करती हैं. वो बहुत अच्छी, आपकी टीम बहुत अच्छी है. और मैं हिंदुस्तान के लोगों से ये कहना चाहती हूँ, जो व्हाट्सएप पे है, जो यूट्यूब में है, जो फेसबुक पे, ट्विटर पे, टिकटॉक पे है, तो मैं उन सबसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं छप्पन चुरी गाना लेकर आई हूँ. सो आजकल सोशल मीडिया इज़ द नंबर वन, यू नो, तो सोशल मीडिया आप ही को बनाती है और आपको आपके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स देती है. तो मैं सबको कहना चाहती हूँ कि छप्पन चुरी वीडियो आ चुका है, आप इस पर डांस कीजिए अपने स्टाइल में. आप कैसे डांस कर सकते हैं, मैं पांच लड़के पांच लड़कियां इनके साथ, जो भी जिसका भी बेस्ट डांस हुआ, मैं उनके साथ डेट पर जाऊंगी. मेरा वादा है, लोग वादा करके जाते नहीं है. आपको तो पता है कि मैं बोलती हूँ तो मैं करती हूँ. यस, पांच लड़का पांच लड़की जो राखी जी चूज करेंगे, उनका जाना आना खाना पीना सब हमारे तरफ से. हाँ, उनके एयर टिकट. हाँ बिल्कुल, एयर टिकट, रहना खाना पीना सब कुछ. और मेरे पति को बुरा भी नहीं लगेगा, चिंता ना कीजिए. हाँ, डेट पे जा रही हूँ बाबा. बाबा शादी के बाद डेट पे जा रही हूँ. टिकटॉक पे जितने सारे इतने अच्छे डांसर्स हैं, और राखी जी तो रिनाउंड आर्टिस्ट है, एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट है, और छप्पन चुरी इतना अच्छा गाने को, राखी जी के गाने को अलग. हम उनको हमारी दूसरी फिल्म जो छप्पन चुरी फिल्म में, हम उनको कैरेक्टर देंगे, उनसे डांस, उनके साथ डांस भी करेंगे. यस, ये बहुत सही अनाउंसमेंट है कि आप उनका हेयर टिकट, यू नो, आप कॉस्ट देख रहे हैं, डेट पे अरेंज कर रहे हैं, तो ये अभी कॉन्टेस्ट कैसे आगे रखे आप अपने सोशल मीडिया पे लेके जा रहे हैं. ये पारुल जो है आपके बिना तो होगा नहीं. हमारे सबसे दोनों की फेवरेट है पारुल चावला. आप ही हमारे गाने को, हमारे जज को जो आपके सामने लाने के लिए जो पारुल जी ने ये मेहनत की है, और रियली आई हैव सम पारुल जी. और ये कंपटीशन जो भी होगा ये पारुल जी के थ्रू ही होगा सब कुछ. ये जैसे आएंगे तो ये नहीं, मैं अपने इंस्टाग्राम पे, मेरा फेसबुक पे पूरी दुनिया छाई हुई है, मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करती है. तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी मैं अपलोड करूंगी. और मुझे कितने दिन का डेडलाइन है होने वाला अगले महीने, उससे पहले हो जाए. हाँ, वन मंथ, बिकॉज अक्टूबर में आई एम गोइंग टू यूके. उसके पहले तो इसीलिए सबके लिए मैसेज है, लेकिन अलग अलग स्टाइल में हम लोग को हंसी आ जाने चाहिए. छप्पन चुरी पे अलग अलग स्टाइल में आप लोग डांस करो. राखी जी की वो नहीं होना चाहिए, है ना, उससे हटके कुछ अलग हो आपके अपने. हम लोग अपने वीडियो को सिलेक्ट करेंगे. थैंक यू. बिल्कुल, मेरे मांग में सिंदूर है, मेरे गले में मंगलसूत्र है, और ये मेरी शादी की रिंग है. एक्चुअली थोड़ी लूज है क्योंकि ट्रायल नहीं किया था इसीलिए. और मेरी चूड़ियाँ हैं, आप देख सकते हैं. हाँ, मैं शादीशुदा हूँ, मैंने शादी कर ली है. और मेरे हस्बैंड का नाम है रितेश, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ. आई लव यू रितेश. और वो मुझसे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. थैंक्स टू माई बॉलीवुड, थैंक्स टू माई मीडिया के मुझे, मैंने इतनी मेहनत करी और मुझे जनता तक पहुँचाया. और पता नहीं मेरे हस्बैंड को मुझसे कब प्यार हो गया. वो मुझे छुप छुप के देखते थे मेरे इंटरव्यूज़. वो कहते कि हर इंटरव्यू तुम एकदम बेबाक बोलती हो. तो उन्हें मुझमें दो तीन चीज़ें पसंद आई है. मैंने उनको कहा आपको मुझ में क्या अच्छा लगता है. सब तो कहते हैं तू तो बहुत बेबाक है, बहुत बेबाक है. बहुत सारे लोग तो स्वयंवर के बाद शादी करने से डरते थे कि उनको ऐसा लगता था बाप रे पता नहीं क्या हो जाएगा करके. मैं लड़की नहीं, शोला हूँ. तो कहते नहीं, मुझे बेबाक लड़की बहुत पसंद है, मुझे आप बहुत पसंद है. वो मेरे फ़ैन थे. मुझे व्हाट्सएप पे वो मुझे मिले, व्हाट्सएप पे हमारी मुलाकात हुई. वो मुझे रोज़ मैसेज भेजते थे, दिन में दो दो बार, दो दो हज़ार टाइम, यू नो, आई लव यू भेजते थे. और पिछले एक साल से ये हमारा, यू नो, लव चल रहा है. फिर एक दिन उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया. क्या आप सोच सकते हैं कि मैंने अपने फ़ैन के साथ शादी करी. कोई अपने फ़ैन के साथ शादी करता है? नहीं. मैंने ना उनका बैंक बैलेंस देखा, ना उनको देखा था, ना उनके परिवार को देखा, ना कुछ देखा. बस मुझे उनमें सच्चाई नज़र आई.
हर शादी, हर लड़की शादी तब करती है जब हर बैकग्राउंड देखती है हर चीज़। मैंने ब्लाइंडली शादी करी और जब शादी के परी मतलब तब पता चला कि ओह माय गॉड इज माइंड ब्लोइंग एंड मेरे हस्बैंड इट्स अमेजिंग। लेकिन दीपक कलाल के बारे में आपने ऐसे ही बोला था एक सबसे अलग है दुनिया में अलग है और दीपक कलाल रोते हुए नजर आए थे, आपने बोला बहुत प्यार करते हैं मुझे, हनीमून के लिए जाने वाले हैं, रिकॉर्ड है हमारे पास सब चीज़ें। नहीं नहीं दीपक कलाल का तो इज लाइक माय ब्रदर, मेरा भाई है वो और मुझे बहुत दुख हो रहा है ये कहते हैं कि उनकी दोनों किडनियां फेल हो गई है। कैसे क्या हुआ? हाँ नहीं वो जहाँ जाता है लोग उसे बहुत पीटते हैं, वो अपने पेरेंट्स के अंडरगारमेंट्स चुरा के ये सारी हरकतें पहनते हैं, जहाँ जाते लोग उन्हें पीटते हैं। तो इज लाइक माय ब्रदर, मेरे भाई हैं और दीपक कलाल को बहुत जल्द वो बिग बॉस में भी दिखेंगे और मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कैंसर हॉस्पिटल बहुत सारे हॉस्पिटलों से मैंने गुजारिश की है कि कोई भी इंसान अगर उन्हें किडनी गिफ्ट करता है तो दैट विल बी सो। आपकी मैरिज में भाई साहब आए क्या? मेरे मैरिज में कोई नहीं आया। नहीं दीपक कलाल जो आपके भाई बने हैं? कोई नहीं, मेरे मैरिज में सिर्फ मेरा भाई आया है, मेरी फैमिली और मेरे हस्बैंड की फैमिली थी। मैं क्षमा चाहती हूँ मीडिया से कि मैंने चुप छुपा के शादी करी। 28 जुलाई को JW मैरिट में मेरी शादी हो गई, एक हमने कोर्ट मैरिज करी और एक मैं जीसस को बहुत बिलीव करती हूँ तो मैंने क्रिश्चियन स्टाइल में करी और हमें मेरे हस्बैंड हिंदू है तो हम लोग हिंदू स्टाइल में करी, तीन स्टाइल में हमने शादी करी। मीडिया कैसे सच मानेगी इस बात को, इस चीज के लिए बड़े बहुत। अब अगले साल मैं आपके सामने तीन बच्चे पैदा करूंगी तब आप समझ जाना कि हो गई है भाई। नहीं रियली मॉम स्वेयर मेरी शादी हो गई है, कोई मजाक नहीं, कोई मजाक नहीं। अगले साल देखिए जी बिल्कुल, मेरे हस्बैंड एक साइंटिस्ट भी है और मैंने हमेशा उन्हें कहा कि आपको मुझ में ऐसा क्या अच्छा लगा, तो कहते हैं कि राखी तुम बहुत क्यूट हो, बहुत अच्छे, मुझे तुम्हारे करण अर्जुन बहुत पसंद है। निका व्हाट? हाँ आपके करण अर्जुन, कटरीना और विशाल शेखर बहुत पसंद है। मैंने कहा ओके आई लव यू टू, सो ऐसे हमारा प्यार हो गया और मैं उनसे बहुत मिस करती हूँ। एक्चुअली मैं सच बताऊं तो क्या देखिए मैं शादी इसलिए चुप छुपा के की क्योंकि वो एक बहुत बड़े पोजीशन पे, उनका बिजनेस है, उनका प्रोटोकॉल है कि वो मीडिया के सामने नहीं आ सकते। वो सिर्फ सलमान खान के फैन है, शाहरुख खान के फैन है, तो उन्होंने कहा दो शो में मैं पक्का आऊँगा, करण जौहर अगर अपने शो में बुलाएंगे तो मैं पक्का आऊँगा और सलमान खान बिग बॉस में बुलाएंगे मुझे तो राखी में पक्का आऊँगा, अदरवाइज आई डोंट हैव टाइम टू कम, तुम ही फेस करो मीडिया से, तुम्हारी मीडिया से। मैंने कहा ओके ओके पहले मैं फेस कर लूँगी, मुझे पता है मीडिया मेरी वो यकीन नहीं मानती है कि मेरी शादी हो गई है अभी भी, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं डोंट शेयर माई पिक्चर्स बट विदाउट कैमरा मैं आपको दिखा सकती हूँ मेरी शादी हो गई, अगर आप कैमरा ना देखें तो मैं आपको बता सकती हूँ। सलमान भी अभी सुनने कुछ खबर आई, सलमान के बारे में क्या ख्याल आपका? क्या सलमान फोटो दिखा रहे? नहीं मैं आप लोग को नहीं दिखाऊंगी, विदाउट कैमरा, विदाउट कैमरा। हाँ बोलिए, मगर सलमान के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सलमान जी देखिए आपकी राह देख देख के अब तो मैंने शादी कर ली। सलमान जी मैं कहती हूँ शादी के बाद बहुत अच्छा लगता है, पता है आपको मेरे साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, जिस दिन शादी हुई उस दिन यू नो मेरा नहीं सुहागरात थी यू नो, सो पूरी मीडिया में छा गया। क्या आपको पता है कि मेरे पति को भागना पड़ा, यूके तुरंत भागना पड़ा और क्योंकि वो थोड़ा डर गए कि मैं मीडिया के सामने नहीं आ सकता हूँ, तो देखिए तुम्हारी राखी का अभी तक खाता भी नहीं खुला है, क्या कर सकती हूँ जी, खाता नहीं खुला अभी तक। हाँ नहीं नहीं अगले महीने में जा रही हूँ यूके, आई विश गॉड सलमान खान, अब तो मेरा खाता खुल ही जाना चाहिए। जी मैंने शादी इसलिए चुपके करी, एक्चुअली मेरे हस्बैंड को उनके पेरेंट्स ने एक बहुत बड़े मिनिस्टर की बेटी का रिश्ता आया था और उनके पीछे बहुत एक उन्हीं के कंपनी की लड़की पड़ गई थी और उन्होंने प्रपोज कर दिया, वो लड़की ने उनको प्रपोज कर दिया था, तो उन्होंने कहा यू हैव 10 days Either yes, either no. You want to marry me? उन्होंने बिल्कुल घुटने पर आके मुझे प्रपोज किया, मेरे पास वीडियो भी है वो, लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगी। और बस उन्होंने मुझे 10 days का नोटिस दिया शादी का
और मैंने कहा यस, तो फिर मैंने मेरे पेरेंट्स से बात करी और फिर मेरी शादी। राखी जो मिक्का के ऊपर हुआ है कि विदेश में नहीं जा सकते, नहीं बैन कर दे उसके बारे में, देखिए मैंने अपने हस्बैंड आजम को एक ही बात बोला, उन्होंने बोला कि आपको मुझे में क्या अच्छा लगा, मैंने कहा देखिए आप बहुत अच्छे हैं, आपकी एक आँख नहीं होगी चलेगा, आपका एक हाथ नहीं होगा चलेगा, एक टांग नहीं होगी चलेगा, कुछ भी नहीं होगी चलेगा, बाबूरा होना चाहिए। फिर उनको मेरी बात बहुत अच्छी लगी, फिर हमारी शादी हो गई। मिक्का आपके बहुत अच्छे दोस्त है, बीच में कंट्रोवर्सी हुआ था, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मिक्का मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत अच्छे सिंगर है, बहुत सुपरस्टार है। हाँ उनसे एक छोटी गलती हो गई है कि पाकिस्तान में जाके उन्होंने सिंगिंग किया, शोज वोज किया, पता नहीं क्या किया, बट मुझे लगता है कि उनका जो बैन है वो हटा देना चाहिए, बिकॉज इतने अच्छे सिंगर मिलते नहीं हैं। देखिए हमारे बॉलीवुड के लोग अगर हमारे बॉलीवुड हमारे इंडियन सिंगरों को ही चांस देंगे तो हमारे सिंगर पाकिस्तान नहीं जाएंगे। पाकिस्तान के सिंगरों को आप लोग क्यों चांस देते हैं? मत दो ना, क्या ज़रूरत है? तो हमारे इंडियन क्या अरिजीत में बड़े बड़े सिंगर्स हैं, मिक्का में, इन सब में क्या कमी है? दूसरों को भी चांस दो, हर सिंगर को चांस दो। तो मुझे लगता है हमारे सिंगर्स बहुत बेस्ट है, इंडियन सिंगर रॉक्स, उन्हीं को चांस मिलना चाहिए। थैंक यू, सोनू निगम को भी मिलना चाहिए। यस, थैंक यू। बहुत खूबसूरत गाया है राखी सावंत ने, भी बहुत सा डांस किया है इसमें, बहुत खूबसूरत कंपोज किया है गाना, उससे बहुत बहुत मुबारकबाद आए। आप भी काफ़ी बड़े सिंगर हैं, काफ़ी आपने भी गाने गाए हैं, तो उसके बारे में आपने इस गाने में एक्चुअली फीमेल सॉन्ग है तो इसलिए मैं इस गाने में नहीं आया और मैं हो भी नहीं सकता था, ये गाना फीमेल सॉन्ग है, तो जो अगर मेल गाना होता तो शायद मैं ये गाना करता, क्योंकि बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तो अभी लेटेस्ट मेरा जो जबरिया जोड़ी में गाना था मेरा, वो काफ़ी फेमस हुआ है, तो उसकी दो लाइनें मैं शेयर करना चाहता हूँ। नैनों से नैना टकराए, ना जाने क्या ढूंढे अखियां, ऐसे तुम्हें ये समझाए, ना जाने क्या ढूंढे अखियां। गाना और आपका बहुत फेमस हुआ था, और क्या क्या चल रहा है फिलहाल और कौन कौन सी? अभी फिल्म आ रही ड्रीम गर्ल, तो उसका मेरा गाना लॉन्च होने वाला है आज या कल में आ जाएगा गाना, बहुत खूबसूरत गाना है, तो वजह इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जब वो गाना आए तो आप लोग सब सुने। और वजह तो जी वजह तो बहुत पॉपुलर हुआ है और बहुत खूबसूरत गाना था, उसकी भी दो लाइन अगर बिखरे बिखरे से थे हम पहले, अब सवरने लगे तुम्हारी गलियों से रोजाना, जो हम गुजरने लगे, वजह तुम हो, वजह तुम हो, वजह तुम हो। थैंक यू सो मच।